हेलो उज्जवल। हेलो मैम। उज्जवल कैसे लग रहा है आपको, इतना अच्छा रिजल्ट आया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे 180 मार्क्स आ जाएंगे, बट तब रिजल्ट चेक किया तब पता चला कि 180 स्कोर हुआ है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक प्राउड फील हो रहा है खुद के ऊपर। तो सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट पहले तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, बिकॉज जो हमारे घर पर एक एनवायरनमेंट है, मतलब एक कॉमर्स फील्ड का पूरा एनवायरनमेंट है, उससे बहुत मोटिवेशन मिला है। सेकेंड थिंग, मैं BSI को अपना सक्सेस का मोटिवेशन का एक क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज जो आशीष सर ने हमें एक स्मार्ट वर्क करने के लिए जो मोटिवेशन दिया है, उससे हमें बहुत हेल्प मिली है। बिकॉज जब मैंने बैच ज्वाइन किया था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मेरे 180 मार्क्स में स्कोर्स कर सकूँगा, बट रिजल्ट इज़ नाउ वेरी गुड। उज्जवल, बात करूँ मैं प्लानिंग के एग्जाम को लेकर, स्टडी प्लान कितना किया आपने और आपका जो सेल्फ स्टडी की बात करें उस पर आपने कितना जोर दिया? मेन प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें CPT में होती है, वो हमारे पास ओनली 60 डेज होता है एंड द कोर्स 12 से भी बहुत वास्ट होता है, तो हमें प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है। तो जैसे कि क्लासेस इतनी ज़्यादा लॉन्ग होती नहीं है हमारे CPT में, 4-5 आवर्स डेली होती थी, तो घर पे जाके हम रेगुलरली 3-4 आवर्स स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करने की कोशिश होगी तो एंड रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तो उज्जवल, अब जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं CPT की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बेसिकली अपना मैसेज देना चाहूँगा कि उन्हें राइट गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, हमेशा एक राइट गाइडेंस को फॉलो करके मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, बिकॉज एक मॉक टेस्ट देने से हमें प्रैक्टिस हो जाती है, जो एग्ज़ाम फोबिया होता है वो रिमूव हो जाता है, तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस का लेनी चाहिए। थैंक यू उज्जवल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।